पित्त की थैली की पथरी को दूर करने के घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। 80% पित्त की थैली की पथरी कोलेस्ट्रॉल के जमने या सख्त होने के कारण होती है। पित्त की पथरी के कारण पेट में असहनीय दर्द होता है, कई बार उल्टी वॉमिट भी हो सकती है। रोगी का खाना पचने में दिक्कत होने लगती है, जिससे पेट में अपच, इनडाइजेशन और भारीपन रहता है। पित्त की थैली में पथरी होने के बारे में यही कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के इसे निकालना मुश्किल है। ऐसे में यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत है तो जाहिर है आप ने भी ऑपरेशन का विचार बनाया होगा। लेकिन ऑपरेशन से पहले कुछ घरेलू उपाय अपनाकर देखें, संभव है कि पथरी गल जाए। कुछ घरेलू उपाय न केवल पथरी को गला देंगे बल्कि पाचन को दुरुस्त करके दर्द को भी ठीक कर देंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही घरेलू उपायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल, फूल, सब्जियों और आपको स्वस्थ करने वाले अनेक गुणों से आपको रूबरू कराते हैं, जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। सेब का जूस और सेब का सिरका, एप्पल एंड एप्पल साइडर विनेगर। सेब में पित्त की पथरी को गलाने का गुण होता है, लेकिन इसे जूस के रूप में सेब के सिरके के साथ लेने पर यह ज्यादा असरकारी होता है। सेब में मौजूद मैलिक एसिड पथरी को गलाने में मदद करता है, तथा सेब का सिरका लीवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता, जो पथरी बनने के लिए जिम्मेदार होता है। यह घोल न केवल पथरी को गलाता है बल्कि दोबारा बनने से भी रोकता है। उपचार के लिए 1 गिलास सेब के जूस में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। इस जूस को रोजाना दिन भर में 2 बार पिएं। नाशपाती का जूस, पियर जूस। नाशपाती के आकार की पित्त की थैली को नाशपाती द्वारा ही साफ किया जाना संभव है। नाशपाती में मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को बनने और जमने से रोकता है। यूं भी नाशपाती गुणों की खान है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। उपचार: 1 गिलास गर्म पानी में 1 गिलास नाशपाती का जूस, 2 चम्मच शहद, हनी मिलाकर पिएं। इस जूस को 1 दिन में 3 बार पीना चाहिए। चुकंदर, खीरा और गाजर का जूस, बीटरूट, कुकम्बर एंड कैरेट जूस। जूस थेरेपी को पित्त की थैली के इलाज के लिए घरेलू उपचारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर न केवल शरीर को मजबूती देता है बल्कि गॉल ब्लैडर को साफ भी करता है, साथ ही लिवर के कोलोन को भी साफ करता है। खीरा में मौजूद ज्यादा पानी की मात्रा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को डिटॉक्सिफाई करती है। गाजर में भी विटामिन सी और उच्च पोषक तत्व, हाई न्यूट्रिएंट होने के कारण यही गुण होते हैं। उपचार: 1 चुकंदर, 1 खीरा और 4 गाजर को लेकर जूस तैयार करें। इस जूस को प्रतिदिन 2 बार पीना है। जूस में प्रत्येक सामग्री की मात्रा बराबर होनी चाहिए, इसलिए सब्जी या फल के साइज के हिसाब से मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पुदीना, मिंट। पुदीना को पाचन के लिए सबसे अच्छी घरेलू औषधि, होम रेमेडी माना जाता है, जो पित्त वाहिका तथा पाचन से संबंधित अन्य रसों को बढ़ाता है। पुदीना में तारपीन भी होता है, जो कि पथरी को गलाने में सहायक माना जाता है। पुदीने की पत्तियों से बनी चाय गॉल ब्लैडर स्टोन से राहत दे सकती है। उपचार: पानी को गर्म करें, इसमें ताजी या सूखी पुदीने के पत्तियों को उबालें, हल्का गुनगुना रहने पर पानी को छानकर इसमें शहद मिलाएं और पी लें। इस चाय को दिन में 2 बार पिया जा सकता है। खान पान और दिनचर्या में बदलाव, चेंजेस इन डाइट एंड डेली एक्टिविटी। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, चाहे प्यास न भी लगी हो। वसायुक्त या तेज मसाले वाले खाने से बचें। प्रतिदिन कॉफी जरूर पिएं, बहुत ज्यादा भी न हो, लेकिन दिन में 1 से 2 कप काफी हैं। कॉफी भी पित्त वाहिका को बढ़ाती है। अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं। दिन भर में जितना ज्यादा संभव हो विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं। हल्दी, सौंठ, काली मिर्च और हींग को खाने में जरूर शामिल करें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर फिटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।